हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज करेंगे रेडमी 9 प्राइम के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात उम्मीद से चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटे का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको मैं लॉक करके दिखाऊँ कि अभी जो मैंने ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है बंद कर रखा है, तो अभी मैं आपको लॉक करके दिखाती हूँ जो ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है। देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं इसको ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को ऑन कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिक जो है चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको इसके लिए सेटिंग पे जाना है। तो फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पे जाना है। फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। ग्लैंस फॉर मी पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन मिल रहा है। यस फ्रेंड्स, को ऑन कर देंगे आप तो फ्रेंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ग्लैंस इमेज कैटेगरी, तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी का चाहते हैं आपको फॉलो करें। क्लिक कर देंगे आप तो ये फॉलो हो चुका देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये फॉलो हो चुका है, ये सभी मैंने फॉलो कर रखा है। अब उसको करते हैं बैक, अभी बैक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि और भी नए नए अपडेट होता रहे तो यहाँ पर आपको काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा जो वॉलपेपर है चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको एडवांस फीचर पे जाना है और यहाँ पे अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डेटा। तो आपको पहले मोबाइल डेटा को ऑन कर लेना है तब ये काम होगा। तो यहाँ उसको ऑन कर लेंगे आप तो ये अपडेट होता रहेगा मोबाइल डेटा के जरिए। तो ये भी ऑन करके रख सकते हैं आप। अब ये था तो अब चेक कर लेते हैं, इसको लॉक करते हैं और चेक करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है चेंज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑटोमेटिक तो चार फोटो, इसमें मैक्सिमम चार फोटो लगा सकते हैं आप जो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा आपका फोटो। तो मैं आपको यही बता देती हूँ। तो इसके लिए आप फिर से आप यहाँ पर जाएंगे, आप इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको जाना है, इसको बैक करते हैं। फ्रेंड, यहीं पर आपको मिल रहा है ग्लैंस फोटोज, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने उस तक इंटरफेस है, तो यहाँ पर आपको पहले में इस पर माइनस पे क्लिक कर देंगे जो फोटो है ये हट जाएगा, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रेस माइनस पे क्लिक कर देंगे तो फोटो जो है हट चुका है, और यहाँ पर फोटो लाना है तो दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सिलेक्ट हो चुका है, चार फोटो हो चुका है, मैक्सिमम आप चार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चार हो चुका है और एक्स्ट्रा करेंगे तो नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मना करा है, सिर्फ ओनली फोर बता रहे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली फोर बता रहे, तो यहाँ पे आप उसको करते हैं बैक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अगर फोटो चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस पर क्लिक करेंगे आप, गैलरी इमेज पर जाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको अगर टू फोटो पे सेट करना चाहेंगे तो आप टू पे क्लिक कर देंगे तो टू फोटो हो गया। अगर आपको तीन फोटो चेंज करना है, तीन फोटो सेट करना है तो तीन इमेज पे क्लिक कर देंगे आप, और फोर लगाना तो फोर पे क्लिक कर देंगे आप। तो ये इमेज है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना, तभी आपको वो जो है फोटो है ऑटोमेटिक जो है चेंज होगा। तो चलते हैं और करते हैं बैक और देखते हैं कि ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज हुआ, फोटो सिलेक्ट हुआ हो चुका है, और माइनस इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो चलते हैं चेक कर लेते हैं, लॉक करते हैं, लॉक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो जो मैं आपको लगाई थी अब लाग उठाई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो जो है चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये फोटो जो है चेंज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो जो यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो है ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तरह तरह के आपको ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, तो इस तरीके से आप फोटो को भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटे का ऑप्शन इस पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, ये देखा फ्रेंड्स फोटो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।